नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के विघटन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान को इस पर मंथन करने की जरूरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल उनकी यह प्रतिक्रिया हाल ही में पंजाब में घटित हुई घटनाक्रम पर आई है। इसके अलावा उन्होंने ऐलनाबाद में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया, जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार को हर मामले में फेल बताया। इसके अलावा कई स्थानीय मुद्दों पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। अरे शुरू है, लेकिन बीमार होने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आ जाया। बीच में एक किसी उस पर तो आया था किसी दोस्त के उस पर, लेकिन मैं आज यहीं रुकूंगा। आज सवेरे मैं शहर में कई जगह गया हूँ। एक तो शहर की बहुत खस्ता हालत हुई, सब रोड बिल्कुल खड्डे खड्डे हैं और मेरे को कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये भाई यहाँ ऐसा, और ये सारा प्रदेश में है, तो आज यहाँ पे मैंने समझता हूँ सारे प्रदेश में ये है। कोई रोड रिपेयरिंग का काम नहीं चल रहा, और जो देख रहा था मैं रास्ते में, और जो आज सुबह से लोग मेरे को मिले हैं बहुत सारे अलग अलग गांव से, जल भराव से बड़ा भारी नुकसान हुआ हुआ है फसलों का, और उसमें कहीं गिरदावरी हो गई है कहीं नहीं होगी है। लेकिन पिछली बार का जो गिरदावरी हुई थी वो भी मुआवजा अभी नहीं मिला है, तो तुरंत गिरदावरी करा के मुआवजे का प्रबंध किया जाए। और जो कल मैं आज अखबार में आया था कि बाजरे की खरीद की वजह भावंतर दे रहे हैं 600 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि आज बाजार में भाव बाजरे का 1600 रुपये है और MSP 2200 है। तो इस वास्ते उसका था, लेकिन कल जिस हिसाब से चल रहा है भाव अगर गिर जाएगा 1200-1300 हो जाएगा तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? 600 नहीं, इनको करना चाहिए भावांतर देना है, तो जिस समय जो भी बाजार भाव हो मार्केट में किसान को मिलता हो उसका MSP का जो डिफरेंस बनता है वो देना चाहिए। ये किसान के साथ बड़ा भारी धोखा, जो इनका जो अपने वायदे से ये सरकार पलट गई, जिसने कहा था दाने दाने उनका भी हम जो है वो करेंगे, MSP देंगे और प्रोक्योर करेंगे, हर बारी यही करते हैं। इसी प्रकार से जो है जो कानून व्यवस्था है, अभी मैं कचहरी में गया था तो बहुत सारे वकला शादी थे वहाँ, वो यही चर्चा कर रहे थे जी कि क्राइम बहुत बढ़ गया, क्राइम पे कंट्रोल नहीं पा रही सरकार कर पा रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार है ही नहीं। और यही कारण है जो जिस सरकार को, जिस प्रदेश को 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज प्रति व्यक्ति बेरोजगारी में नंबर एक हुआ हुआ पूरे प्रदेश में। और CMI के रिपोर्ट में मतलब 35.7% जो है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पूरे देश में हरियाणा में। इसी प्रकार क्राइम रेट में बहुत सारे उनमें, कहीं दूसरे नंबर पर है हरियाणा, कहीं पहले नंबर पर है, कहीं तीसरे नंबर पर है, क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये सरकार जो है विफल सरकार है, और वो हो चुके हैं। इलाहाबाद में चुनाव होगा, आपको मालूम हो जाएगा ये सरकार कहाँ खड़ी है। बाकी मेरी तो मुख्य ये बातें हैं, लेकिन मुख्य बात ये भी थी कि आप लोगों से मिलने का भी मेरा दो था। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, कोई भी भाई सवाल पूछ सकते हैं, एक एक करके सवाल पूछे, जवाब मेरे को देना होगा मैं उसको दे दूंगा, जिसका नहीं देना होगा नहीं दूंगा। साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो BJP में नहीं जा रहे हैं। आपके मित्र हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना? मित्र तो अब मेरे हर पार्टी में है, कैप्टन अमरिंदर भी मेरे मित्र हैं, उनका फैसला तो वो उन्होंने ही कहा होगा, मेरा फैसला तो नहीं है ना, वो तो उनका फैसला है। नहीं, जिस तरीके से पंजाब में घटनाक्रम हुआ और अब सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, मंत्री जो बने उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।